हमारी 3 बजे की अपॉइंटमेंट है, अभी 2 बजे है, अभी 1 घंटा है, कुछ खाते पीते हैं। ये ग्रेवी जब आप खाते हैं और मोमोज के साथ जाती है, ओए होए होए होए। गायन और पिकू कुकिंग मोड में आ गया, पिकू बारिश के मूड से की परफेक्ट। ऐसे परफेक्ट नहीं, जस्ट परफेक्ट परफेक्ट। आई एक राउंड बाहर लगाकर आए तो बच्चों का क्या रिएक्शन होगा, ये तो मम्मी कुछ बच्चे आपके पीछे। जयपुर में तो जब कभी बारिश होती थी ना, स्कूल से मम्मा को लेके आ रहा हूँ या ऐसे कुछ भी है, तो बाइक में ऐसे बारिश में ही गड़ी मार आते थे, बड़ा अच्छा लगता था जैसे ना ऊपर बारिश में। तो जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम आ रखे हैं दोनों कहीं कहीं घूमने, कुछ कुछ काम से आ रखे। एक्चुअली हम दोनों को एप्पल के स्टोर पे कुछ काम है, तो वो एप्पल स्टोर का कुछ काम निकालने आ रखे है और अब उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। चूरोस खाने का मन हो रहा है, बाकी यहाँ पे गिटार गुटर पे बजाते रहते हो, पियानो अभी थोड़ा पैदा कर रखा है। तो अपडेट ये है कि हमने अपनी अपॉइंटमेंट बुक नहीं करी थी, आप यहाँ पे बुक करवाई है और उन्होंने बोला है कि आपकी डायनेमिक क्यू है, 1 घंटा 1.5 लगेगा और अगर जब आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा तो आ जाना, नहीं तो 5-10 मिनट में अपॉइंटमेंट कैंसिल भी हो जाएगी। ध्यान देन रखेंगे। जब तक हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ खाने पीने का है बढ़िया सा, अंदर शूट करना अलाउ नहीं करते, तो इसलिए हमने करा नहीं। वीकडे में भी आ रखे, तब भी इतनी भीड़ है ना। अब है तो है, अब क्या करें यार। अब मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से खाया था चूरोस, अंदर पे था 1978 खुल गया, क्योंकि पपाया के ऑपोजिट ही था, मेरे को याद है जितना। बाकी है ना, कुछ काफ़ी तगड़ा सा कुछ बना रखा है, पूरा ही एडिडास है। अच्छा जी, अच्छा एक तरफ नाइकी एक तरफ एडिडास। वहाँ पर ना वो थी क्या, वो जो पैनकेक वाली वो नहीं शॉप थी जो क्या था, मैं उसका स्टोर का नाम भूल रहा हूँ, बड़ा फेमस वो पैनकेक वाला, उसके पैनकेक्स बहुत फेमस थे, उस पर हमने वीडियो भी बना रखी यहाँ पर आके भाई और मैंने, कि चूरोस काफ़ी अच्छे लगते थे मुझे। अब वो चेंज हो गया है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम देखेंगे टाइम पास करेंगे फिर चलेंगे। तो अभी भी हमारा नंबर नहीं आया है, एक गलती कर दी थी हमने, रिप्लाई 1-2 कैंसिल कर दिया था गुप्ता समक्ष ने, तो अब उसको दोबारा करा है। हमारी 3 बजे की अपॉइंटमेंट है, अभी 2 बजे है, अभी 1 घंटा है, कुछ खाते पीते हैं। चूरस वाली जगह तो बंद है, तो हम खाएंगे मोमोज नीचे तो नहीं, हम ऊपर ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं यार, वो ऊपर ही थी यार, वो बंद हो गई भाई। तो अभी हमारा नंबर आने में तो टाइम है, तो हम थोड़ा खाने पीने आ गए। पहले तो हमने ये मंगवाया है, ओहो सारे आए डिमसम्स, ये मस्त है। हेडे मामे वाला है, ये चिली ऑयल वाला है, तो भूल भी गया कौन से थे। चलो क्रिस्टल वाला है ना, खाना शुरू करते हैं। 5 तरीके की वैरायटी हमारे पास, ये रेड डिम सम बात क्रिस्टल है, ओल्ड स्कूल वेज गोजा के, वाइल्ड मशरूम एडमामे, क्रीम चीज, ट्रफल ऑयल, स्पाइसी क्रिस्टल वेज। ओहो सही लग रहा है ना, तो और क्या, इसका उससे बेटर है, क्वेश्चन भी है और इसका मतलब लुक्स भी बेटर लग रही है। अभी हम हैं कस्टमर फिर भूल गया, ये दोनों सेम नजर लगते हैं। मामा गोटो में है, लास्ट टाइम करा था अपने ट्राई यम यम चापे, आज हम मामा गुड़ो पे है, ये इसका एक्चुअली अच्छा लगा, इसका बेटर है, ऐसी वाला है बट बेटर है। कैसे चल रहा है भाई रामन तेरा? बढ़िया, मोमोज हमारे दो आगे, इसका कुछ कहानी है, कहानी बाद में बताएंगे, बट ठीक है एंजॉय कर रहे हैं। म्यूजिक लाउड है, बाद में चलते हैं भाई, टाइम होने वाला है, मैसेज का ध्यान रख, मैसेज आने वाला होगा। आया कोई? एप्पल स्टोर तो जाकर आ गए, हमारा काम जो नहीं हुआ, कुछ क्राइटेरिया उनके मैच नहीं हुए, अंदर शूट करना अलाउड नहीं करता, बट हमें सब्सक्राइबर मिल गई थी आकृति, हेलो। चलो अब जाते हैं मामा गोटो पे, कुछ डेजर्ट खाएंगे, क्यों खाएंगे वो उसकी स्टोरी भी गाड़ियों में बताएंगे अगर मिलता है तो, है ना। उसका नाम ही भूल गया यार, आपको याद हो बताना, उसका नाम क्या था जो 1978 यहाँ पे खुला है ना, वहाँ पे वो वेफल वाला जो था, वो आउटलेट्स का नाम क्या था, एकदम भूल गया। चूरोस बहुत टेस्टी थे, आइसक्रीम खाते हैं, कोकोनट आइसक्रीम, इसकी कहानी आपको बाद में बताते क्या क्या। हमारा भाई मामा कोटो का बड़ा फ्लॉप शो हुआ है आज, बट क्या बताए अब कैसे होता है, अलग होता है ना। समक्ष 7 दिन नहीं था, उसने कोशिश करी, उसे खाने में कुछ गड़बड़ थी, उसने पहले वो चेंज करी डिश, फिर हम जान लगे तो वो हमारे को कॉम्प्लीमेंट्री डिश दे रहा था, उसमें भी कुछ कुछ गड़बड़ निकली, तो बेचारा बड़ा एम्बेरस हुआ, बट हम फिर उठ कर आगे, भैया अब नहीं हम जा रहे, कोई बात नहीं। तो हो किसी की नई नई गाड़ी, कंग्रेचुलेशन, बढ़िया। बस जाते जाते ना घर अभी 1 घंटा था, मेरे को एकदम याद आया कि हम यहाँ पर आ रखे हैं, तो हम फिर मोमोज खा सकते हैं लाजपत नगर के, पेट भरा हुआ है दोनों का, बट वो मोमोज बहुत टेस्टी मोमोज है। तो अब वो बैठ के सर्च ही कर रहे थे, ऐसा खुद भी हो जाता है कि हम लोग खुद भी भूल जाते कि क्या क्या करना है, क्या क्या नाम थे। तो हम सर्च करेंगे वेजी पाजी, और फिर हम सर्च करेंगे लाजपत नगर, और फिर लिखेंगे मोमोस। ये वाली भी नहीं, ये भी, कितने मोमोस की वीडियो कर रखी है हमने आज, सब टेस्टी थे, ये वाली बहुत अच्छी वीडियो थी।
ये राजपथ नगर थे, तेरे को मैंने बता रखा याद नहीं तुझे, हंगरी थी ना जैसे मेरे को ये वाली है और ये वही खुला है हंगर स्टाइल, ये वाले मोमोज है समक्ष, अब ये वाले मोमोज खाने चलेंगे ये, और रास्ते में भी आएंगे हमारे मेरे ख्याल जितना मुझे याद है रास्ता, हम मैप में डालेंगे हंगरी स्ट्राइक डाल दिया, ये हमारे रास्ते में ही आ रहे हैं। चलो जी इम्प्रॉम्प्टू बारिश कल कल की बूंदों के साथ, ओ भाई साहब बादल क्या बढ़िया लग रहा है इस टाइम पे, हम जाएंगे मोमोज खाने। अभी आ गए हम अमर कॉलोनी के रास्ते पे, यहीं पर जाके हम अपना अब खाएंगे मोमोज। ये हंगर स्ट्राइक लेते गाड़ी में खाएंगे, पार्किंग का यहाँ पे इश्यू रहता है तो यहाँ से निकलना भी है टाइम हो गया है। यहाँ पर आके मैं कोशिश करते हुए कि मोमोज खा रहे दीदी बोलेंगे नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब उसके साथ। ये हमारा बन गया मोमोज और जो आ रहा है हमारा मसाला लेमनेड, क्या बढ़िया चीज़ है ये, समझ में आया कि कैसे खुशबू आ रही ना बढ़िया वाली एकदम, बहुत बढ़िया वाली बटरी बटरी तंदूरी, इसमें वैसे कोई डालने की जरूरत होती नहीं है फिर भी मैंने एक मंगवा ली है चटनी, बस ध्यान रखना गिरे कम कपड़ों पे जो डांट पिटाई घर पे। कैसे लगा? बहुत बढ़िया। चलो हम लोग ये चीज एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में रास्ते में। ये मोमोज खाने के लिए डाइट को टाटा बाय बाय बोलना पड़ता है आपको, बट ये यार ये चीज दिल्ली वहां नहीं मिलेगी ना हमारे, जो ये चीज तेरे को यहाँ मिल जाएगी ये तेरे को लगा है वहां मिलेगी ऐसी चीज वहां पे, चम्मच ले आना क्योंकि सारा खेल जो है ना ये जो ग्रेवी आ रही है साथ में इस ग्रेवी का, ये ग्रेवी जब आप खाते हैं और मोमोज के साथ जाती है फ्लेवर, और ऐसा नहीं है सर मिर्ची मिर्ची पूरा पूरा फ्लेवर आ रहा है तंदूरी भी बटरी भी मसाले भी, इसलिए यहाँ पर जब भी आते हैं ना तो मैं कोशिश करते हैं एक टेस्ट तो लेके जाओ। मेरा सेम है इतना पेट भरा हुआ था ना फिर भी मुझे जब ये याद आ गया और इसका जो फ्लेवर और महक और वो खुशबू एकदम याद आ गई, इतना मजा आता है ना ऐसे रूपाला रखने याद आ गया। चले एक और प्लेट तो नहीं लेनी थी, रखने गया था आ गया यार पक्का, तो एक और प्लेट देने तो नहीं गया था ना, एक को प्लेट बोल तो दियो ना, बोल दी है और क्या। ओहो नहीं भाई इतना नहीं खा जाएगा, चल लेते हैं अभी, मजाक ज्यादा कर रहा है जीजू, एक और प्लेट नहीं खाएंगे अब भाई बहुत हो गया। इसके लिए मैं स्पेशली भी आ सकता हूँ रोहिणी से, ये वैसे मोमोज है एकदम यूनिक न्यू टेस्ट था। चलो गाड़ी निकालनी है भाई यहाँ से, एकदम पास में लगी हुई देख देख के आराम आराम से निकालेंगे। एक घंटा घर दिखा रहा है, 10-15 मिनट हमारा 20 मिनट का शायद डिटूर हो गया, कोई बात नहीं वर्थ इट था। ये सब भी वो हो जाता है पानी पानी यहाँ पर जूते पानी पड़ी है, यहाँ पे बारिश ही नहीं है, यहाँ बारिश पहुंची नहीं होगी अभी शुरू हो रही है, कितना मस्त है भीड़, तेज बारिश फिर बारिश फिर नो बारिश। 6.5 hours later. इतनी मस्त तेज बारिश हो रही है, लग ही रहा था बहुत मस्त मौसम वो हो रहा था बारिश वाला सब से। और गाइनो बना रहे हैं आज हम सबके लिए बारिश में सूजी सूजी का चीला, और अभी तो मैंने ब्रेड सैंडविच भी खाया है बहुत टेस्टी, ये रिजेक्ट हो गया यार, ये तो बहुत टेस्टी था, अभी को क्या बात कर रहा है, बारिश से पहले ठीक था। ओह नो, मैं तो बारिश के चक्कर में और ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, बहुत टेस्टी लग रहा है ब्रेड बना लो, अपग्रेड कर रहा सब्जी वाला है ना तो इसमें वो फील नहीं आएगी, 2 मिनट मोटी 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 प्याज चाहिए होती है वो टेस्ट आता है, इसमें वो गाजर पानी छोड़ देगी ना, हाँ और बीटरूट भी है ना वो भी पानी छोड़ेगी, बारिश हो रही थी ना मेरा मन हो रहा कुछ, आप तो कहते हैं चाय पियोगे, चाय सोच रहा हूँ चाय का, सूजी के पकौड़े के साथ चाय, इधर बनेंगे सूजी के पकौड़े उधर बनेंगे चाय, हो गया। मैं तो अपना एंजॉय कर लिया भैया, मैंने तो अपना ब्रेड सैंडविच और चीला एंजॉय कर लिया, गायन और पिकू कुकिंग मोड में आ गया, पिकू बारिश के मूड से कुकिंग मोड में और गायन तब से चली रहे, मैं मौसम देख रहा था ना एक्चुअली जैसे ही बादल आए ना तो पिकू गाय ने बोल दिया कि ना अब तो मेरे को खाना है कुछ टेस्टी सा, चाय पीने का मन हो रहा है क्योंकि इतनी देर से उसे हवा चली ना, हवा वाली आवाज आ रही है एकदम, मतलब कैसे बताऊं यार, मतलब है ना फुल, मतलब ऐसे ऐसे देख ही जाता है, अब बारिश गिरेगी अब गिर गई, अब बना लो अपनी चाय फटाफट, राउंड बाहर लगाकर आए तो बच्चों का क्या रिएक्शन होगा ये तो चिंता, मम्मी कुछ बच्चे आपके पीछे पीछे आएंगे और कुछ बच्चे कहेंगे हाँ उन्हें क्या, ये लाइन आ गई तेरे, तुम
चुपके से आए पीछे, मेरे को लगा कोई आया है। हाँ, इन्हें तो रिकॉर्ड कर लिया। उससे पहले ना पता क्या बोल रही थी मम्मा, कह रही वो कुछ बच्चे ना बारिश में खेल रहे थे, तो मैंने कहा हाँ मुझे आवाज आ रही थी, कह रही हम भी चले, मैं कहा हम बच्चे नहीं रहे, कहते भगवान के तो बच्चे, मैं कहा बताता हूँ मम्मा को बारिश बड़ी अच्छी लगती है शुरू से। जयपुर में तो जब कभी बारिश होती थी ना, स्कूल से मम्मा को लेके आ रहा हूँ यहाँ से कुछ भी है, तो बाइक में ऐसे बारिश में ही गड़ी मार आते थे, बड़ा अच्छा लगता था जैसे ना ऊपर बारिश में। हाँ, तो ऐसे तो मैं कहा अब बारिश में जाके ना शुरू शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना पड़ता। मम्मा मैंने चले ग्राउंड लगा के, चलो मम्मा ऐसे में मजा आता है बाइक में जाइए, ओपन जीप होती है ना, ना उसमें मजा आता है। हम वॉकिंग जीप में चलते हैं, मैं बताता हूँ, मैं जीप में बाद में आगे मम्मा हम 2 सेकंड में ही पूरे भीग जाएंगे। और छू छू और उसके तो छू भी मजेदार, पिछली वाली बारिश में गायन कैसे स्कूटी लेके चले गए थे, इनको बोले हम सबको एक एक राउंड कटा ले, हमें पता ही नहीं, और वो इधर सामने से आ रहा था। हाँ ऐसे घूम रहा था, कितनी मस्ती मार रहा था। हाँ इसको बोलना भी नहीं चाहिए, अगर उसको ध्यान आ गया ना मैं गया था वो फिर चले जाएंगे, पर चाय तो उसने बनवाई ली है, अब तो चाय पी के होगा मम्मी, अब जो आप लोग भी एंजॉय करो, अब चाय पियो पकौड़े खाओ, बारिश तो एंजॉय हो ही रही है। yes. मम्मा उसने बेचारे ने दूसरा बैच बनाया विद दही, ऐसी क्या बात है, बना दिया बिकू तूने विद दही वाला बैच अपना। यस बन चुका है ये विद दही वाला बैच है, कुछ है वो है विद दही विदाउट दही, विद दही विदाउट दही, शक्ल में फर्क आ गया, दानेदार और फ्लैट, ब्यूटी ट्रीटमेंट हुआ है, बिकू ने कुकिंग कर ली है, गायन ने अपनी कुकिंग कर ली है। ये दिखा देता हूँ मैं, ओ करारा, ओ ये होता है करारा क्रिस्पी कुरमुरा, करारा क्रिस्पी कुरमुरा परफेक्ट, ऐसे परफेक्ट नहीं, यस परफेक्ट और यहाँ हमने खिड़की भी खोल रखी है, हम गेट खोल के बारिश भी इंजॉय कर रहे हैं। खिड़की कहाँ? मतलब दरवाजा। अरे मतलब आप भावनाओं समझो ना, भावनाएं समझा करो, वर्ड समझो। बारिश में हम सब इतने प्रसन्न है कि हम खिड़की को भी दरवाजा बोल रहे हैं, दरवाजे को भी खिड़की बोल रहे हैं। हाँ छोटी पकौड़े बना दू, बहुत अच्छी होता है इसको ना, सारे पकौड़े उसके सूजी का ही फेवरेट है, बचपन से ये पसंद है, हमें बनने से जल्दी जाता है ना, फटाफट बन जाते हैं और स्वाद को स्वाद है। तुमने भी खाए पकौड़े? मैं एक एक टेस्ट कर लिया, टेस्ट कर लिया, मैं कोई ज्यादा नहीं, कुछ नॉर्मल अच्छे लगते हैं, मैं तो पनीर के अच्छे लगते हैं ना बस। हाँ नहीं तो बेसन वाले ब्रेड पकौड़े मीठे डाल के, मेरे को प्लेन आलू के भी बहुत अच्छे लगते, जो ब्रेड पकौड़ा मम्मा होली पे बनाते हैं, रिचुअल मॉर्निंग रिचुअल हमारा एवरी होली सुबह सुबह ब्रेड पकौड़ा। तो थोड़ा खट्टा कम लग रहा था, मैंने हल्का आमचूर डाल दिया तो वो हो गया, ऊपर से मैंने गरम गरम में चाट मसाला डाल दिया वो हो गया, थोड़ा खट्टा तो बैलेंस हो ही गया।